सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC हल्द्वानी. वेलकम टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग. आई विश फॉर अ गुड हेल्थ एंड वेल बींग. सो टूडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि मेरे जो 2 ड्रॉप्स थे उनमें मेरी मिस्टेक्स क्या थी और जिनको आप आगे चल के ना करो अगर अभी आप कर रहे हो और आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो. और इस साल आप अगर ड्रॉप पर हो तो इस साल आपका नीट क्रैक हो जाए. जो मिस्टेक मैंने की है उनसे आप सीख लो, खुद ना दोहराओ उन्हें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ड्रॉप से. तो फर्स्ट ड्रॉप जो था वो मैंने कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले लिया था. और फर्स्ट ड्रॉप पे ऐसा था कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी तो उसमें ना मैं थोड़ी शाई हूँ तो मुझे डाउट पूछने में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो मैंने डाउट भी नहीं पूछती थी मैं. और क्वेश्चन मतलब जो अगर टीचर पढ़ा रहा है तो ठीक है, क्लास में पढ़ के पढ़ लेना है. क्वेश्चन क्लास में हो गए तो हो गए, घर आके अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो फिर उन्हें ज़्यादा देखना भी नहीं है कि चलो नहीं हो रहे हैं तो एक बार पूछ लेते हैं. क्योंकि थोड़ा शाई नेचर था, डाउट पूछने से पहले बहुत ज़्यादा झिझकती थी मैं. फ्रेंड्स का जो ग्रुप था वो भी ऐसा ही था कि जो डाउट ना पूछे. तो यही सब हो गया था कि डाउट भी ना पूछने अगर हो भी रहे हैं तो इससे और भी ज़्यादा मेरी कंडीशन थोड़ी कम धीरे धीरे बहुत ख़राब होती चली गई. फिर ऐसा आया कि उस ईयर ना वो आ गया था, कोविड आ गया था तो लॉकडाउन लग गया था. तो लॉकडाउन लगने की वजह से मेरा और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि जो एग्ज़ाम की डेट थी वो आगे शिफ्ट हो गई. तो मैंने और ज़्यादा लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया. और इसी बीच क्या हुआ कि मेरे बहुत सारी दोस्ती आ रही. मैं ऐसा हो जाता था कि किसी और की प्रॉब्लम को मैंने अपनी प्रॉब्लम समझ लेना. अगर किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम है, किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे अगर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरे एंड से अगर ये सॉल्व हो सकता है, मैं इनको समझा सकती हूँ तो मैं समझाने का ट्राई करती थी. उनका अगर किसी और से झगड़ा चल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ऐसा लगता था उस टाइम पर कि ये दोस्त है मेरे, इनको मैं नहीं समझूंगी, इनका काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, यही तो दोस्त है मेरे. बट अभी मैं देखती हूँ कि उनमें से बहुत चंद दोस्त हैं जो मेरे अभी हैं और कहूँगी तो कोई है ही नहीं अभी. उस टाइम पे फिर ऐसा हो गया था कुछ टाइम बाद कि कोई मेरे से बात करने के लिए नहीं था. जब उन्हें ज़रूरत थी मैं उनके साथ थी, बट जब मुझे ज़रूरत थी उनकी वो दोस्त उस टाइम पर थे नहीं. तो मुझे ऐसा लगा कि इतना भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए दोस्ती में, अपने पर भी फोकस रखना चाहिए था. उस टाइम पे मैंने दोस्तों के लिए करना चाहिए था लेकिन अपनी पढ़ाई को उनके वजह से इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर देना चाहिए था. अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि तब ना टिकटॉक आ गया था. तो टिकटॉक के का दौर था और इसमें मैं टिकटॉक बहुत स्टॉक करने लग गई थी और उसके साथ ही अपने अंदर का ना एक्टर जाग जाता था. तो कभी कभी मैं खुद भी वीडियोस बना लिया करती थी और मुझे थोड़ा डांस करने का शौक भी है. अगर आपने कभी कभी मेरी रील्स देखी होंगी या मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो मैं डांसिंग वीडियोस भी बना देती हूँ कभी कभी. तो मेरे को डांस का बहुत शौक था तो मैं डांस वीडियोस भी बना लेती थी. तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था. और लॉकडाउन लग गया था तो उस बीच ना मेरा भाई भी घर आया हुआ था और वो घर ही रह गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था. तो हम क्या करते थे, हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी. वो कभी मोमोज बनाता था, कभी हम कॉफ़ी बना रहे होते थे. तो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान चला गया था. थोड़े चैलेंज वीडियोस बना लेने कि कौन ज़्यादा खाएगा कौन ये करेगा, तो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान चला गया था. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया और कॉम्पिटिशन पर इतना ध्यान ही नहीं दिया कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. क्योंकि घर में ही रह रहे थे तो कि टेस्ट सीरीज भी नहीं लगानी. तो इस वजह से मतलब फर्स्ट ड्रॉप मैं मोस्टली कहूँगी तो लास्ट के टाइम पर मैंने थोड़ा पकड़ने की कोशिश की, खुद को खुद के कॉन्सेप्ट मतलब खुद पढ़ने की कोशिश की कि चलो कुछ तो करें. लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे कहाँ हो पाता है ना, तो इस वजह से फर्स्ट ड्रॉप पे मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन और बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे मेरे. और बहुत ही ज़्यादा मैं मतलब हो गया था कि क्या कर दिया मैंने, ये अपना पूरा एक साल बर्बाद कर दिया. सो ये थी मेरी फर्स्ट ड्रॉप की मिस्टेक्स. लेकिन अब मैं बताऊँगी आपको सेकेंड ड्रॉप की जो मेरी मिस्टेक्स थी. सेकेंड ड्रॉप तक आते आते मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी. बट मेरा ना ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास उठ गया था क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया था ऑफलाइन कोचिंग में जो मेरे लिए तो नहीं बना था. कि ऑफलाइन कोचिंग मेरे जैसे बच्चों के लिए तो नहीं बनी है क्योंकि मैं थोड़ी शाई हूँ, मुझे डाउट पूछने में प्रॉब्लम होती है. मतलब बहुत सारी मेरे अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से मेरे लिए ऑफलाइन कोचिंग नहीं बनी थी. तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही कुछ पढ़ूंगी या सेल्फ स्टडी कर लूँगी. तो सेल्फ स्टडी भी मैंने सोचा कि यूट्यूब पे स्विच करते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं कि कौन कौन से टीचर हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं. तो लकीली मुझे अलग सर की वीडियो दिख गई थी जो मैंने अपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उन्हें भी बताया कि मैंने अलग सर से पढ़ाया, अलग सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है.
तो अलग सर से मैंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री के भी उनके जो लेक्चर्स थे पहले पहले उन्होंने केमिस्ट्री भी पढ़ाई थी वो पढ़े, और रितु रथवाल मैम से मैंने अपनी बायोलॉजी पढ़ी। वैसे मैं आपको एक डिटेल वीडियोस में बता दूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा था जब मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की थी, जिससे कि आपको अगर फ्री रिसोर्सेज चाहिए हो यूट्यूब से तो आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो मेरी मिस्टेक्स जो थी उस पर आते हैं। तो अब मैं फोकस तो ज़्यादा हो गई, मैं ज़्यादातर अपना पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, लेकिन जो इसमें मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी, जो मैंने फिजिक्स पे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए, मतलब कि मैंने क्या किया कि मैंने बुक्स पे स्विच हो गई, जैसे कि डीसी पांडे इनकी बुक्स में के जो क्वेश्चंस थे मैं बहुत ज़्यादा लगाने लग गई थी। इससे क्या हुआ, मैं फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गई, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, तो उनके कॉन्सेप्ट मेरे वीक होने लग गए। उनके लिए मैं टाइम कम दे रही थी, तो उनकी चीज़ें मैं कम कम ले रही थी, कम कम पढ़ रही थी, क्वेश्चन कम लगा रही थी, तो वो ज़्यादा वीक पढ़ने लग गए। और अगर मैं फिजिक्स कर ही रही थी तो क्वेश्चन ज़्यादा कर भी रही थी, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था मेरे उसमें, क्योंकि एट द एंड जाके अगर मैं कोई क्वेश्चन आगे चल के लगा रही थी तो वो गलत ही हो रहे थे मुझसे। और क्वेश्चन अगर मैं डीसी पांडे के लगा रही भी रही थी तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैं लगा ही नहीं रही थी, जो मेन है लगाना वो लगा ही नहीं रही थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कोई कोई लगा लेने, सारे नहीं लगाती थी। तो ये सब हो गया था कि क्वेश्चन लगा तो रही थी बट ऐसी जगह के लगा रही थी जिनके कोई यूजफुल नहीं थे मेरे नीट की प्रिपरेशन के लिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि जो डीसी पांडे लगा रहे होते हैं अपने जो कोचिंग के डीपीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी को छोड़ के, वो यूज़फुल नहीं है। आप अगर उन चीज़ों को करोगे ना वो ज़्यादा रेदर वो होंगे आपके लिए हेल्पफुल एज़ कम्पेयर टू अदर कोई एडिशनल बुक्स लगाने के। अब मैंने सेल्फ स्टडी करने का सोचा था तो मैंने टेस्ट सीरीज़ तो मैं कैसे ही देखती, तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई नहीं। कुछ कुछ थी जो एनटीए ने ना अपना एक, आपको याद होगा कि एनटीए ने उस टाइम पे अपना ऐप पे कुछ टेस्ट सीरीज छोड़ी हुई थी, मतलब कि कुछ टेस्ट सीरीज दी हुई थी, उनमें से कुछ कुछ लगा लेती थी, ज़्यादातर मैं करती नहीं थी। और अगर क्वेश्चन, मतलब मैंने टेस्ट सीरीज दे भी ली तो उनके क्वेश्चन मैं फिर से देखती नहीं थी कि अगर गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, उनमें मेरी मिस्टेक्स क्या है। तो टेस्ट सीरीज पहले तो लगा ही कम रही थी, और लगाने के बाद उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें देख भी नहीं रही हूँ कि उसमें मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, तो ये गलती थी मेरी। थर्ड नंबर पे मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि रिवीजन की कमी, मतलब मेरा फोकस ज़्यादा ये था कि मैं सिलेबस को कंप्लीट करती जाऊँ रैदर देन कि मैं अपना रिवीजन करूँ, कि जो पढ़ा है उसको भी देखूँ। रिवाइज मैं करती थी एक दो बार, बट एट द एंड मैंने ना सिलेबस कंप्लीट करने पे फटाफट सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए और मैं ऐसी हो जाऊँ कि मैं लास्ट में मुझे पता हो कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और भी कॉन्फिडेंस हो, इस चक्कर में मैं रिवीजन करना छोड़ दिया था मैंने। और जब लास्ट डे भी मेरा पेपर का था, जब मेरा पेपर होने वाला था, मुझे दिमाग में ये था कि सिलेबस पूछा तूने पूरा कंप्लीट किया है बट रिवीजन का क्या, रिवीजन तो हुआ ही नहीं है, जो तूने पढ़ा है वो तुझे याद भी है या नहीं तुझे पता नहीं है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तब कम हो गया था क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया था। और जो अगली मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने असर्शन रिवीजन जो क्वेश्चन होते हैं ना वो अटेम्प्ट नहीं किए थे, और उस ईयर जिस ईयर मैंने पेपर दिया था जो 2021 का पेपर था ना उसमें असर्शन रिवीजन बहुत ज़्यादा आ गए थे, और उसका तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं है कि कैसे करना है, तो इस वजह से वो भी मेरा एक था कि अगर वो कर लिए होते तो शायद और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, वो भी मेरी मिस्टेक है। और अब तो आने लग गए हैं सोशल रीजन क्वेश्चन, तो आप लोग को ज़रूर करने चाहिए, और ये मिस्टेक होते हैं बच्चे करके नहीं जाते हैं, वहाँ जाके ये बहुत ही उनका एक पॉइंट होता है जो जिस पर वो लैक करते हैं कि सोशल रीजन करके नहीं आए, वहाँ जाके एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आप पे, और फिर उसके बाद एक असर्शन रीजन आ जाता है जिसको आपने छुआ तक नहीं है, तो वो आप गलत कराओगे या अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, जिससे आपके कम मार्क्स आएंगे, तो क्रैक नीट क्रैक करने के चांसेस उतने कम होते हैं। तो असम्पशन रीजन ना करना इज ऑल्सो माई मिस्टेक। और एक नेक्स्ट मिस्टेक जो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और वो मोस्टली बच्चे कर रहे होते हैं कि पढ़ाई का टाइम इतना दे देते हैं कि अपना सोने का टाइम बहुत कम कर देते हैं, मतलब कि हमारा जो स्लीप साइकिल जो होती है ना वो 6 घंटे की नींद तो हमें लेनी ही चाहिए, बट मैंने ना बहुत कम कर दिया था सोना। इससे क्या होता है कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने लग गया था, और दिन में अगर मैं पढ़ भी रही होती थी तो मेरा फोकस उतना ज़्यादा होता नहीं था अच्छे से। तो हमें ना स्लीप भी 6 घंटे की मिनिमम स्लीप लेनी ही लेनी है, जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 6 घंटे की स्लीप नहीं लेते हैं, बाकी टाइम आप दो पढ़ाई को। उससे क्या होगा ना, अगर आप 6 घंटे अच्छे से सोओगे तो आपका जो माइंड है वो जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से लगेगा, पढ़ाई पे लगेगा, आप अच्छे से समझोगे चीज़ों को। तो प्लीज़ 6 घंटे की स्लीप लेना, अच्छी सी स्लीप लेना, और तभी जाके पढ़ाई के लिए बैठना। और नेक्स्ट मिस्टेक जो मेरी थी कि मैंने जो अपना सेकेंड ड्रॉप है ना उसमें अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी मैं, मतलब कि पेन कहीं पर हो रहा है तो ध्यान ना देना। और उससे क्या हुआ ना, मतलब अपने खाने पर भी ध्यान ना देना, अपनी स्लीप पर ध्यान देती थी तो हेल्थ ऐसे ही ख़राब रहती थी। तो
मैंने ना बहुत दिन में हॉस्पिटल भी गई हूँ इस वजह से, और मेरा बहुत उस बीच पे टाइम मेरा वेस्ट हुआ अपनी हेल्थ की वजह से, खाने पे ध्यान ना देने की वजह से। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अपने खाने पे ध्यान देना, और मोस्टली मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन पे दिया बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, तो मेडिटेशन नहीं करती थी तो दिमाग में जो प्रेशर है वो कहाँ जाएगा ना। फिर मैं क्योंकि आप पढ़ रहे हो, सो भी नहीं रहे हो अच्छे से, तो ये सब चलता रहता है, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो उस बीच में, तो प्रेशर और बिल्डअप होता ही रहता था मेरे दिमाग में। तो मेडिटेशन नहीं करना वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक, और एक्सरसाइज ना करना, जो थर्ड ड्रॉप पे मैंने नहीं किया। थर्ड ड्रॉप पे मैंने मेडिटेशन भी की, एक्सरसाइज भी की, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखा। खाने में मैंने खाना भी प्रॉपरली खाती थी, 6 घंटे की 7 आवर्स की स्लीप प्रॉपरली लेती थी, और एक्सरसाइज करती थी, जिससे कि मैं मेंटली भी, मेरे को स्ट्रेस कम होता था उससे, मेडिटेशन करने से और एक्सरसाइज करने की वजह से मेरी हेल्थ पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरी हेल्थ ठीक रहती थी। और खाना खाने से मेरे को अच्छा फील होता था, एक खाना ही होता है जब हम पढ़ाई करते हैं जो हमें अच्छा फील कराता है, तो अच्छा अच्छा खाना खाती थी तो उससे अच्छा लगता था। तो बस इतना ही था यार जो मेरी मिस्टेक्स थी, और आई होप आप मेरी मिस्टेक से सीखो, और इतनी सारी मिस्टेक जो मैंने की है, अगर कर रहे हो तो मत करो, और अगर आप करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ अभी रुक जाओ, ये आपको नीट क्रैक करने में आपके सबसे बड़ा बाधा हो सकती है, आपका नीट क्रैक करने में सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं वॉल्स हो सकती है, इसको मत आने देना अपने आगे। सो ये थी मेरी फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप की मिस्टेक्स, जो मैंने थर्ड ड्रॉप में सीखा कि इन मिस्टेक्स को नहीं करना है, और वो मिस्टेक मैंने नहीं की, इस वजह से जो मेरा रिजल्ट था वो ये रहा। तैयार है? नो। चलो तैयार हो जाओ। रेडी स्टडी निकल ले। 600 अरे रो क्यों रही है? बहुत अच्छा, गुड, शाबाश शाबाश, वी प्राउड ऑफ यू। सो बस यही थी मेरी मिस्टेक जो मैंने फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में की, और आई होप आप इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराओगे। और आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, उस आईडी को मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप मुझसे कोई भी आपकी क्वेरी हो पूछ सकते हो, उसमें मैं रिप्लाई भी दे देती हूँ आप लोगों का। अगर कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।